मॉक टेस्ट वन पार्ट सी क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिए, उसके बाद साथ साथ में आप आंसर दोगे, मैं बाद में जो आपके रॉन्ग आंसर होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा, आपको रीजन मिलेगा, जो रीजन से आपकी जो नॉलेज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके राइट रिस्पांस होते हैं तो आपको री इन्फोर्समेंट मीन आपको प्रतिबलन के हाँ मैं ठीक हूँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप और अटैच होते हो और पढ़ने के लिए लग जाते हो, वो फोर्स मिलेगी। तो ये पार्ट डिस्कस हो चुका है, उसके लिए लिंक इसी वीडियो में डाले गए हैं, अगर किसी ने देखना है मॉक टेस्ट। मैं ये बता दूं कि मॉक टेस्ट ओरिजिनल है, न्यू है, मेरे अपने बनाए हुए हैं और हर क्वेश्चन को प्लान करके बनाया जाता है कि उसमें से आप नेक्स्ट क्या ले सकते हो। बी पार्ट का लिंक भी डाल दूंगा इसी में, अभी हम सी पार्ट करने लगे हैं। सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी फाउंड इन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, ये पहले कर दूं, हाँ, गोलमैन, पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर, थॉर्नडाइक 1920 सोशल इंटेलिजेंस, वेशलर 1919 सोशल इंटेलिजेंस। आपने उत्तर देना है हिंदी वालों के लिए, भावनात्मक बुद्धियात्मकता की जड़ें किसके द्वारा दिए गए बुद्धि के सिद्धांत या थ्योरी में पाई जा सकती हैं। गोलमैन, पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर सेकंड आंसर, थर्ड थॉर्नडाइक 1920 सामाजिक बुद्धिमत्ता, और नेक्स्ट है वेशलर के 1919 के सामाजिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में से, चारों में से कौन सा ठीक है आपने ढूंढना है। मैं नेक्स्ट चलता हूं, अगला है 22nd क्वेश्चन, इंग्लिश में है और ये रहा हिंदी में भी 22nd क्वेश्चन। बड़ा टेक्निकल जा अजीब लोअर लेवल का क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग लेवल का। तो द टर्म मशीन लर्निंग वाज क्वाइंड इन 1959 बाय आर्थर सैमुअल स्किनर ब्लूम थॉर्नडाइक। मशीन लर्निंग शब्द 59 ही बोलूंगा, हिंदी में नहीं आता मुझको, मैं किसके द्वारा गढ़ा गया था, बनाया गया था क्वाइन, ठीक है, आर्थर सैमुअल स्किनर ब्लूम थॉर्नडाइक, उत्तर आपने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट विल एम फॉर पीटीआर, पीटीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, चलो बता देता हूं, पेरेंट प्यूपल टीचर रेशो, ठीक है, प्यूपल कितने स्टूडेंट्स के पीछे कितने टीचर चाहिए, वो रेशो क्या है, वो रेशो दी गई है, यहां उत्तर है कि 15 बच्चों के पीछे एक टीचर चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें कि सोशली डिसएडवांटेजेड स्टूडेंट्स हैं, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, चलो नहीं पता है, 35 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर चाहिए, 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर चाहिए, 25 के पीछे एक टीचर चाहिए, ठीक, हिंदी में भी पढ़ देता हूं, ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित छात्र हैं, वे निम्न में से निम्न के पीटीआर पीपल टीचर रेशो का लक्ष्य रखेंगे, वो है 15:1, 35:1, 20:1 और 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफर एंगेजिंग बेटर लर्निंग मटेरियल रेलेवेंट टू प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, स्कूल करिकुलम, ये जरूरी है, ठीक है, हिंदी का भी ऊपर कर ले साथ साथ में अगर पढ़ना है, साथ में पढ़ दो, ये एक राष्ट्रीय मंच निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक बेहतर शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, कौन करता है इनमें से, शिक्षा दिशा दीक्षा, ठीक है, शिक्षक,
एक्चुअली ये प्रोग्राम है, आपको देखना है प्रोग्राम है या ऐप है या व्हाट इज है, वो आपको चलो थोड़े हिंट दे दिए हैं, आप ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम इज स्टार्टेड फॉर सेटिस्फाइंग लर्नर सेकेंडरी नीड्स सेकेंडरी मोटिव्स प्राइमरी मोटिव्स एजुकेशनल मोटिव्स। ओके, माध्यमिक भोजन योजना शिक्षार्थियों के लिए संतुष्ट करने के लिए डैश को संतुष्ट करने के लिए शुरू की गई थी। माध्यमिक जरूरतें माध्यमिक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य। ठीक, आपने ये बताना है कि कौन सा राइट आंसर है इसमें। आप जा सकते हो, सोच सकते हो, अगर क्लू देना है। नहीं, अभी नहीं क्लू दूंगा, बाद में बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ ईशान यूज हिज होल बॉडी, छोटा बच्चा है वो सारी बॉडी को यूज कर रहा है, वाइल क्राइंग जब रो रहा है। ओ चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ, साथ में यहाँ कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर ही यूज ओनली हिज फेस वाइल क्राइंग, ये चेंज आया है, अब वो सिर्फ चेहरा यूज कर रहा है। द एग्जाम्पल इज Explaining which principle of development, sequential, cumulative, towards integration, towards specific. जन्म के समय ईशान रोते हुए अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है, 10 साल बाद वह रोते हुए सिर्फ अपने चेहरे का इस्तेमाल करता है। उदाहरण बता रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, अनुक्रमिक सिद्धांत, संचीय सिद्धांत, एकीकरण की और विशिष्ट की और। नेक्स्ट है आफ्टर डूइंग बी एड इबादत, इबादत नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है इबादत। यूज स्मॉल ग्रुप्स फॉर टीचिंग अपर प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इंटर रिलेशनशिप इंटर एक्टिविटी इंटर सब्जेक्टिविटी। कौन से प्रिंसिपल से वे प्रभावित होकर ये कर रही है। ठीक, एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया हिंदी में आपको यही, इबादत बी एड इबादत बी एड करने के बाद उच्च प्राथमिक। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक दो हिस्सों में बांटी गई है, लोअर प्राथमिक और अपर प्राथमिक। ठीक है, आप टीचर भी जो मरने जा रहे हो, जो सेकंड पेपर आपका है वो उच्च प्राथमिकता है। कक्षाओं को पढ़ाने के लिए छोटे समूहों का उपयोग करती है, वह डैश सिद्धांत से प्रभावित है, सहयोग के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, अंतर गतिविधि के संदर्भ से, इंटर सब्जेक्टिविटी के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएसटी, ये कैपिटल में आएगा, स्टैंड फॉर न्यू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर टीचर, न्यू प्रोग्रेसिव स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ठीक, हिंदी में तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो इंग्लिश में ही बेटर है। ठीक है, अगर पढ़ना है आपने शिक्षकों के लिए, इसका मतलब है एनपीएसटी का मतलब है शिक्षकों के लिए नए पेशेवर मानक, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकीकरण, शिक्षकों के लिए नए प्रगतिशील मानक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, नहीं ये छोड़ते, द स्केमा, स्केमा द मेन कंसेप्ट इन हिज थ्योरी विच इज बेस्ड बेस और दो पार्ट में बांटी गई है ना उनकी थ्योरी, एक तो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरी है के लर्निंग प्रोसेस, जो की कंसेप्ट, की कंसेप्ट सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा क्या है, नेचर उसकी अफेक्टिव है, कोनेटिव है, सॉरी कोग्नेटिव है, फिजिकल है, सोशल है। जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा की प्रगति है प्रभावशाली, ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है, इसको आप इमोशनल या फीलिंग या उसके साथ जोड़ सकते हो, यहां से इफेक्टिव ले सकते हो। संज्ञानात्मक प्रगति में, भौतिक प्रगति में, जो उनकी नेचर है उसको प्रकृति, सॉरी ठीक है प्रकृति, मैं गलत पढ़ रहा था, सामाजिक प्रकृति में। ठीक है,
लास्ट है 30th को, बलविंदर ब्रेक द पेंसिल ऑफ बहादुर बिकॉज बहादुर हैज ब्रोकन द पेन ऑफ बलविंदर। ये दोनों लगता है लड़ रहे हैं ना। बलविंदर इज लिविंग एट विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, म्यूचुअल बेनिफिट, पनिशमेंट ओरिएंटेड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दीज। बलविंदर ने बहादुर की पेंसिल तोड़ देती है क्योंकि बहादुर ने बलविंदर की कलम तोड़ दी थी। तो बलविंदर नैतिक विकास के कोलबर्ग के किस सिद्धांत चिचा चरण पर जी रहा है? पारस्परिक लाभ, सजा, उन्मुख, सामाजिक, अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपने आंसर देना है, मैं आप पॉज करके अगर रीथिंक करना है किसी क्वेश्चन पर को एनालाइज करना है कर सकते हो, क्योंकि इसमें से पता चलेगा कि आप कैसे सोच रहे हो। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में, डिस्ट्रक्टर के बारे में, राइट आंसर के बारे में आप कैसे सोच रहे हो, तब तक आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आप अपनी थिंकिंग से मैच कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में ये डाल सकते हो कि सर मेरे ये रॉन्ग आंसर थे, काइंडली इसके बारे में, जब मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे रॉन्ग सोचता हूँ, इसके बारे में मैं ऐसे सोचता हूँ, तो कोई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा पूछ लोगे। अब आप अगर वो पढ़ते हो ना, तो 1920 में, वापस चलते हैं, 1920 में ये, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ई एल थॉर्नडाइक ने की थ्योरी कौन सी है? ट्रायल एंड एरर, जिसको कहते हैं, ये लर्निंग की थ्योरी है, रिकॉल करा रहा हूं। दूसरी है उनका, इसी का थ्योरी का नाम क्या है? कनेक्शनिज्म, ठीक है। ये जो थ्योरी है, बॉन्ड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने ये थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन को बता रही है ना, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था जो स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन है, ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, दैट इज व्हाई इसे कनेक्शनिज्म कहा गया है। वो न्यूरॉन्स का बॉन्ड जो कनेक्शन है अंदर बन जाता है, जो चीज हम एक्चुअली रिपीट करते हैं तो ब्रेन जो मैसेज जाता है जिन जिन न्यूरॉन्स से होके गुजर के जाता है बार बार रिपीट करने से, वो मैसेज आसानी से फिर बन जाता है, दैट इज व्हाई वो एक्टिविटी हम इजीली रिपीट कर देते हैं, फिक्सेशन हो जाती है, जिसको इन्होंने बोला वही स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लीवर को टच किया और वो दरवाजा कैट के जो पिंजरे में थी वो खुल गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आइडेंटिकल एलिमेंट का उन्होंने कहा कि जितनी सिमिलैरिटी होगी एक और दूसरे टास्क में उतनी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इंटेलिजेंस की थ्योरी का बेस भी यही था कि जो स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन न्यूरॉन्स के बनते हैं वो कितने बनते हैं? अनलिमिटेड, ठीक है। हमने की थी वो बड़ा अच्छा एक नेमनिक्स बनाया था, शायद आपको अच्छा लगा हो, कि पहले एक फैक्टर थ्योरी आई, फिर टू फैक्टर थ्योरी आई, फिर 7 या 9 फैक्टर थ्योरी आई, उसके बाद फिर 120, वैसे उसके बाद है 120 फैक्टर गिलफर्ड की थ्योरी आई, और फिर अनलिमिटेड फैक्टर, ये थॉर्नडाइक के अनलिमिटेड फैक्टर थे। ये ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताई मैंने, याद करने के ऑर्डर में बताई है आपको। तो इंटेलिजेंस को वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि अनलिमिटेड है, तो साथ में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज कंक्रीट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और सोशल इंटेलिजेंस, ठीक। कंक्रीट इंटेलिजेंस वो जो प्याजे की थर्ड स्टेज में है, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेंसरी एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सामने ऑब्जेक्ट को देख के हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट है कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बिना ही हम जो मैथ्स के सिंबल हैं उसके हिसाब से लैंग्वेज के सिंबल हैं, बिना कंक्रीट एक्सपीरियंस के, बिना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरी टाइप की इंटेलिजेंस थी। और तीसरी थी कि हम एक दूसरे
को समझने की इंटेलिजेंस, क्या मैं इनके मूड को समझता हूँ, क्या मैं कब उदासी होते हैं समझता हूँ, क्या ये कब दुख में सुख में कैसे होते हैं, मैं इनको कैसे खुशी मिलती है, ठीक है, तो इनके मोटिव्स कैसे हैं। जब इनकी अंडरस्टैंडिंग इनके इमोशंस के बारे में ज्यादा है तो इनका रिश्ता अच्छा बन जाएगा, ठीक। तो ये बेस था, यही बेस आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की आज की थ्योरी में मिलेगा, जिसको सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक। दैट इज वाई द रूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लाइज इन थॉर्नडाइक्स 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आउट ऑफ द सोशल इंटेलिजेंस 1920 में जो उन्होंने दी थी। तो उनका कनेक्शन, जो उनकी फंडामेंटल थ्योरी है याद रखना है, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्राइमरी लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 लॉ, तो ये मेरे ख्याल में एक्सप्लेन ना करूं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में है, जो आप यूज करते हो चीज को बार बार रिपीट करते हो वो याद रहता है, जो नहीं यूज करते वो नहीं याद रहता, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, जो प्लेयर देता है, जो एक्शन आपको प्लेयर देता है वो याद रहता है, जो आपको पेन देता है उसको हम भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 30 साल बाद इसकी रिवीजन हुई थी, लेकिन ये उस थ्योरी में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं। और रेडीनेस का है कि व्हेन एवर द लर्नर इज रेडी टू लर्न, टीचर मस्ट टीच, ओके। अदरवाइज इफ द लर्नर इज नॉट रेडी टू लर्न, टीचर शुड मेक द लर्नर रेडी, ओके। ये रेडीनेस का प्रिंसिपल है। वापस चलते हैं, ज्यादा लंबा हो गया, ये रहा यहाँ और ये रहा यहाँ। नेक्स्ट आंसर है द टर्म मशीन बाय, ये सिंपल है, इसकी एक्सप्रेशन लो, प्योर, ये बहुत गड़बड़ हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट मशीन जो है, एक ये ईयर याद रख लीजिए, ये मेमोरी लेवल का ही क्वेश्चन है, आर्थर सिमोल ने फर्स्ट टाइम दी थी, द राइट आंसर इज, टिक लगाओ इसको, आर्थर सिमोल राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हाँ, जहां पर ये बात याद रखिए कि यहां पर वो ऑप्शन ही नहीं डाली मैंने, नॉर्मली जो है ये रेशियो कितनी है, 30 के पीछे एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ठीक है। जहां सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो डिसएडवांटेज पीपल स्टूडेंट ज्यादा मिलते हैं उनकी रेशियो ये है 25 के पीछे एक, ये याद रखनी पड़ेगी, ये भी मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है। ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग बेटर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल में। इसका आंसर है दीक्षा, फुल फॉर्म है, इसमें से और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म, नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, ये एक पोर्टल है या ऐप है, ठीक। चौथा क्वेश्चन, ये सॉरी लिखा है नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म NPT, फुल फॉर्म इसकी भी आ सकती है, ठीक। डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी ओपन असेस, कोई भी इस पर जा सकता है, सभी के लिए ओपन है, किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर के लिए भी, ओपन आर्किटेक्चर, ओपन लाइसेंस डिलीवरी, ऑटोनॉमी आउटलाइन, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, बेसिक ये चार क्वेश्चन बनते हैं। दीक्षा पोर्टल लॉन्च्ड ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब, 5 सितंबर 2000, वहां पर वो लिखा है, पोर्टल वाज लॉन्च्ड टीचर्स डे को 5 सितंबर 2017, याद रहेगा, ठीक है। अडॉप्टेड बाय 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस CBSE एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT बोलते हैं, NCERT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली जबलियां बज जाती है, ओके। इसके फीचर्स क्या है, कोर्स फॉर टीचर टू फैसिलिटेट कंटिन्यूअस लर्निंग, रिसोर्सेज फॉर यूजिंग इन क्लासरूम, डैशबोर्ड फॉर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस, कम्युनिटीज फॉर डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, अनाउंसमेंट सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन,
देखिए हर तरह की वो कर सकते हैं, और किस किस लेवल पर ये किसके लिए है, प्री प्राइमरी के लिए भी है ये क्वेश्चन भी बनता है, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, ठीक है, सभी स्कूल लेवल के, आप भी स्कूल लेवल के टीचर्स हो, दैट इज वाई इसकी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट चाहिए, इस पर क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। शिक्षा जो है ऐसे क्या है, सिंपली एक ऐप है जो आप डाउनलोड करते हो और उस पर जाकर जो अच्छे लेसन प्लान बने हुए हैं उनको देख सकते हो, है ना, अच्छी टीचिंग है उसको देख सकते हो। ऐसे टीचर के लिए एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो एक इतनी हम फिजिकल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के को यूज करके हम वो फिजिकल डिस्टेंस खत्म कर दिया है। अगर तमिलनाडु में कोई अच्छा लेसन प्लान की सेवंथ क्लास को इंग्लिश को टीच करने के लिए बनाता है और वो बड़ा इफेक्टिव है जहां उन्होंने रिसर्च की है, तो वो वहां पर शेयर कर सकता है, इंडिया के बाकी सेवंथ क्लास के टीचर उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिड डे मील स्कीम इज स्टार्टेड फॉर सेटिस्फाइंग लर्नर सेकेंडरी नीड, आपको ये बस पता होना चाहिए, इसका सिंपल आंसर है कि प्राइमरी मोटिव्स, ठीक है, प्राइमरी मोटिव कौन से हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यहां पर लिख दूं थोड़ा सा, प्राइमरी मोटिव्स कौन से हैं, मोटिव्स हैं, एक सर्वाइवल के लिए है, दूसरे डेवलपमेंट के लिए है जरूरी, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल, ओके, और वो अनलर्नड है, अनलर्नड है, और ये लर्निंग से रिलेटेड है, इट मींस एजुकेशन ज्यादा जोर इस पर देगी, पर जब तक मैस्लो की हायरार्की कहती है ये नीड्स ये मोटिव पूरे नहीं हो जाते आप इस तरफ नहीं बढ़ सकते, दैट इज वाई मिड डे मील स्कीम, इसीलिए कि वो बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता उनके पास हेल्दी जो बॉडी नहीं है उनकी जो सर्वाइवल और फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, जिससे स्कूल की अटेंडेंस भी बढ़ सकती है। वापस चलते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ईशान होल बॉडी यूज कर रहा है ना, इसका राइट आंसर है टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशन, कहते हैं टिक लगाना है, ये पता नहीं क्यों चला जाता है भाई, टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशन, एक्चुअली आधा डाला है, ये पूरा प्रिंसिपल नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक हमने पढ़ा है ना, तो वो वाला है ये, तो पहले होल बॉडी यूज हो रही है, फिर एक पार्ट यूज हो रहा है, अब वो बड़ा हो जाएगा तो जो 10 साल बाद भी जब आपको प्रेम हो जाता है तो आप तो फिर एक होता है कि आप इतना सा हिस्सा ही आपका नम होता है, तो कितना स्पेसिफिक, एक बहुत पूरी बॉडी यूज कर रहा है खुल के रो रहा है, फिर एक फेस पर रो रहा है, फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए, टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशन जनरल टू आफ्टर डूइंग बीएड इबादत स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको किसमें हो सकती है, कोऑपरेशन सारे कंफ्यूजिंग है मेरे ख्याल में, एक्चुअली ये मैं टीच करना चाहता था कि इंटर सब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल जो वाइगोत्स्की का है, इंटर सब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल क्या है, इधर चलते हैं आगे चल के इसको फुल कर लेते हैं, ये भी नाराज ना हो जाए, इंटर सब्जेक्टिविटी का है, दो बच्चे हैं मान लीजिए वो किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, मतलब कोई टॉपिक है यहां से उनके ये डिफरेंस इतने हैं, ये लेंथ क्या कह रही है, जो रेड वाली है मैंने बनाई ये इतनी है, ये डिफरेंसेस हैं, दूसरा शख्स ये है, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी थिंकिंग को शेयर कर रहे हैं, ये इसके साथ बात कर रहा है यार ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, इन्होंने मान लीजिए आधा घंटा डिस्कशन की, डिस्कशन करने के बाद क्या है कि आप देखोगे कि इनके डिफरेंसेस बहुत कम हो गए हैं, अब ये डिफरेंसेस का कम हो जाना आफ्टर शेयरिंग इनकी थिंकिंग शेयर हुई है, इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड सॉरी इज गिवन बाय वाइगोत्स्की, एंड ये भी पूछा जा सकता है इंटर सब्जेक्टिविटी इज गिवन बाय, ये भी पूछा जा सकता है कि इंटर सब्जेक्टिविटी इज बेस ऑफ विच लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक, पीयर
लर्निंग वीक कहा जाता है, दो जने बिठ के बैठ के जो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनपीएसटी स्टैंड्स फॉर, देखिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये 2022 में पूरे हो जाने, फर्स्ट ड्राफ्ट इसका 2021 में आ चुका है और इस पर मैंने मेरे ख्याल में आपको उस पर अभी तक शायद इस पर कोई वीडियो नहीं की, आप एनपीएसटी डॉक्टर तीरथ सिंह फिल कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगी, ये वीडियो एक दो आप देख सकते हैं कम से कम, व्हाट इज एनपीएसटी ये जरूर देख सकते हो क्योंकि इसमें मतलब उसका सब एरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आगे सब डोमेन है, सब कैटेगरी है, लर्निंग नीड्स, लर्निंग नीड की आगे तीन चार और सब कैटेगरीज होगी, प्राइवेट हो पब्लिक हो या गवर्नमेंट, इट मींस के सारे नेशन के लिए है, सारे नेशन के स्कूल टीचर्स के लिए है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, और मेरे ख्याल में ये दो वीडियो है आपको देख लेना चाहिए, हो या गवर्नमेंट हो सभी तरह के स्कूल के लिए है, नेशनल प्रोफेशनल कौन सा प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन के लिए, सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड शब्द हमारे लिए नया है, हमने एम्स ऑफ एजुकेशन, गोल्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पढ़े हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा ऊपर है, स्टैंडर्ड्स को सिंपली डिफाइन करना है आगे चल के, जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपका आंसर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स आर कॉम्पिटेंसेज इन फोर एरिया, फोर एरियाज वो कौन से हैं वो आगे चल के बताता हूं, तो ये कॉम्पिटेंसीज क्या काम करेगी टीचर्स के लिए, मान लीजिए ये टीचर है, टीचर के लिए ये एक गोल का काम करेगी कि इस टीचर ने इन कॉम्पिटेंसीज को, मेरे ख्याल में ये देख लेना चाहिए आपको क्योंकि इसमें वो एक्सप्लेनेशन है, अगर टीईटी में नेचुरली है ऑब्वियस है कि इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि 2022 में ये ड्राफ्ट, जो ये पहले ड्राफ्ट पर वीडियो बना है अभी फाइनल हो रहा है और फाइनल होने के बाद नेचुरली है कि आपके लिए बन रहा है और आपके लिए टेस्ट हो रहा है, हो ही नहीं सकता कि, और इसी एनपीएसटी में बताया गया है सेकेंड स्टेप पर आपको टीईटी क्लियर करना होगा, तो ये चार पांच वीडियो है मेरे, आप एनपीएसटी डॉक्टर तीरथ सिंह यूट्यूब पर फिल कीजिए और अगर ठीक लगे तो देख लीजिए और टीचर्स को कम से कम शेयर कीजिए, ये उनकी अवेयरनेस के लिए है कि उनके साथ नेक्स्ट इंडिया में नेक्स्ट साल क्या क्या होने वाला है, हो सकता है ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाए, हो सकता है सैलरी बढ़ जाए क्योंकि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स सभी पर अप्लाई होगा, लेकिन एक दुख की बात यह है कि प्राइवेट टीचर्स को उतनी सैलरी, उतनी क्या जमीन आसमान का फर्क है, तो प्राइवेट टीचर्स के साथ जो इनजस्टिस है, हो सकता है कि एनपीएसटी एक कारण बन जाए कि उनको जस्टिस मिले, सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन अकॉर्डिंगली मिल जाए। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू जी पियाजे स्कैमा, स्कैमा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं, ये नॉलेज है, बेशक पियाजे ने मोटर स्कैमा की बात की भी की है लेकिन वो जान लेना जरूरी है, स्कैमा पर पूरा वीडियो है, अब डॉक्टर तीरथ सिंह फिल कीजिए, स्कैमा पर बहुत इन डेप्थ, कोई भी क्वेश्चन उसके बाद स्कैमा पर 90% चलो कह देता हूँ, गप नहीं लगाऊंगा तो जो मोटर स्कैमा उन्होंने बोला है, मोटर मतलब फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन भी वो शुरू में है, उसके बाद अगर फिजिकल एक्शन है तो फिजिकल एक्शन की आपको नॉलेज है, नॉलेज फिर कॉग्निटिव डोमेन में आता है, सो इसका राइट आंसर है, सो इसका राइट आंसर है कॉग्निटिव इन नेचर। ओके लास्ट है बलविंदर, ब्रेक द पेंसिल ऑफ, एक दूसरे की पेन पेंसिल तोड़ रहे हैं, किस स्टेज में है भाई, एक बात याद रखनी, आज तक किसी ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो मोरालिटी की थ्योरी है, MORL मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल रीजनिंग की एक्चुअली थ्योरी है, ठीक है, ये इमोरालिटी की थ्योरी नहीं है। ओके आप इसमें एग्जांपल दो, देखो कि अब अगर आप पेन किसी का तोड़ते हो तो वो इमोरल है, दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज।
ओके, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक ही आपको जो आगे मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसका आधार बनेगी। आप अपने रॉन्ग आंसर डिस्कस कर सकते हो, ये वीडियो जो साथ में बताए गए हैं, नेचुरली एनपीएसटी को मत छोड़िए, ये बहुत बहुत जरूरी है। और प्लीज प्राइवेट टीचर के साथ या वैसे गवर्नमेंट टीचर किसी भी टीचर के साथ ये एनपीएसटी है क्या ये जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट बहुदाद होगी इन पर क्वेश्चंस की, हर टीईटी में इसका क्वेश्चन शामिल हो सकता है। थैंक यू।